अभियान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव देवरिया हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने देवरिया दौरे पर गए थे, जहां समाजवादी पार्टी के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जिसको लेकर पुलिस ने अब शांति भंग करने के आरोप में सपा समर्थकों पर कार्रवाई की है। मामले को लेकर पुलिस ने करीब 29 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चालान काट दिया। इन लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप है। ये सभी सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ फतेहपुर गांव पहुंचे। बता दें कि देवरिया दौरे पर अखिलेश यादव ने घटना स्थल का दौरा किया था। मामले में एसडीएम के आदेश पर इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बाद में निजी मुचलके के बाद सभी को छोड़ दिया गया। बता दें कि देवरिया दौरे के दौरान अखिलेश दोनों परिवारों के घर गए थे, लेकिन वहीं सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने अखिलेश से मिलने से इनकार कर दिया था। इस दौरे के दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर हमलावर भी दिखे थे। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में दिन दहाड़े कत्लेआम हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक परिवार के 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया था और मामले में फिलहाल अब तक सियासत जारी है।